नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाज़ में। आज हम लोग बात करेंगे HCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर 27 सितंबर की न्यूज़ निकल के आ रही है, कल की न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, इस पर चर्चा करेंगे। और कल देखिए इसने 20% का अपर सर्किट मारा है। ठीक है, अभी मात्र 14 रुपये का स्टॉक है ये, और इसने 20% का अपर सर्किट मारा है। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरा आज देखेंगे, पूरी न्यूज़ पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, लास्ट में हम लोग चार्ट भी देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट जरूर देखा करिए। और अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले मैंने अभी IGL पे वीडियो डाला है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड पे, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। और इससे पहले मैंने कल परसों बहुत सारे वीडियो डाले हैं अपने, जो रिसेंटली IPO आए हैं उन पे भी डाले हैं, ड्रीम फोक्स हो गया, सारे डाले हैं। आप अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। SEC के डेट रेजोल्यूशन प्लान का असर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के शेयर में 20% की तेजी, पिछले 2 साल में 170% का रिटर्न दिया इसने। तो आप समझिए किस तरह का स्टॉक है। लेकिन आप केवल यही देख के ना, इतना न्यूज़ देख के लेने में झपट पड़िएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना पैसा मुझे इसमें लगाना है, कितना नहीं लगाना है। दूसरा भी मार्केट एक्सट्रीम प्रेशर में चल रही है, आज 17,000 के लेवल हो सकता है टूटने का, टूटते हुए दिखेंगे ओपनिंग में, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा संभलना होगा। तो SEC के शेयर मंगलवार को करीब 20% की तेजी के साथ बंद हुए। बताया जा रहा है कि कंपनी के शेयर में यह तेजी एक दिन पहले दिए उसके एक स्टेटमेंट के बाद आई है। वो स्टेटमेंट क्या था भैया, कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कहा था कि अपना डेट रेजोल्यूशन प्लान पूरा कर लिया है। ठीक है, डेट रेजोल्यूशन प्लान जो है इनका पूरा हो गया, अभी आगे हम देखेंगे। 14.66 रुपये पे बंद हुआ है ये। ठीक है, 27 सितंबर 19.67%, यानी 2.40 रुपये की उछाल के साथ, और लगभग वॉल्यूम, अब वॉल्यूम तो खैर अभी हम देखेंगे, ये 1,42,00,000 का है। ठीक है, अच्छा 2 साल में कंपनी ने 170% के रिटर्न दिए हैं, ये हम लोग अभी आगे फाइनल देखेंगे, इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, फालतू का समय वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग में क्या बोला है इन्होंने, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार कंपनी ने आर्बिट्रेशन अवार्ड्स में बेनिफिशियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ 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 ऋणदाताओं की देयता के 2,854 करोड़ रुपये सौंपे और प्रोलिफिक रेजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को 6,508 करोड़ रुपये देने का दावा किया। यह कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी सहायक कंपनी SPV है, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल। देखिए SPV क्या होते हैं, आप एक तरह से समझिए, जो कोई फर्म्स होती हैं वो एक SPV भी बनाती हैं साथ में, या तो उसी कंट्री में या उस कंट्री के बाहर कहीं बना लेती हैं। तो जब इस, मान लो ये फर्म में कोई समस्या आ गई, दिक्कत आ गई, तो कंपनी जो है वो इसके थ्रू काम करने लगती है, सारा कुछ इससे करने लगती है। तो जो ये 2,854 करोड़ का ये जो आपको दिख रहा है कि ये डेट रेजोल्यूशन है, इसमें देखिए कोई ऐसा नहीं कि इन्होंने 2,854 करोड़ रुपये इनको चुका दिए, ये SPV ने इससे ले लिया, SPV इनको नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर देगा। अगर आपने मेरा एक इससे पहले मैंने फ्यूचर रिटेल पर वीडियो डाला था, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, जिसमें मैंने डिवेंचर्स और ये सारी चीज़ें क्या हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर हम उसमें टॉपिक में जाएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये समझिए कि मतलब ये आपको एक तरह से बुक से इनको हटा दिया गया और इनको 4 साल का मौका मिल गया है। ये 4 साल तक अभी ये बिल्कुल कंपनी जो है ये फ्री रहेंगे। इनके जो हेड हैं उन्होंने बोला है कि अभी ये 4 साल में ये सारा कुछ यहाँ पर रिकवर कर लेंगे और कंपनी को एक फ्री हैंड टाइप मिल गया है कि जिसमें ये बढ़िया अपना काम कर सकते हैं अब। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके कामकाज की। तो कामकाज आप जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ठीक है, इस प्राइमरली इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। ठीक है, रियल इस्टेट्स हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इन इंडिया, फाउंडेड 1926। ठीक है, तो 22 चल रहा है, 22, 4, 26, 96 साल आप मान के चलिए यहाँ पर, आपको पुरानी कंपनी है ये। बात करें इसके मार्केट कैप की, तो बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप आपको नहीं दिख रहा है, 2,205 करोड़ का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो क्या बेहतरीन, आपको 60% रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख रहे हैं, डाटा नहीं है अवेलेबल। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम नहीं लेकिन कम है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि प्लेज है यहाँ पर पूरी 91.6%। और डेट की अगर आप बात करेंगे, जो आपको दिख रहा है 2,018 करोड़, वही आप पीछे आपने जो डेट रेजोल्यूशन प्लान देखा वो इसी तरह का, इसी का मामला था पूरा। ठीक है, और यहाँ पर डेट इक्विटी इसीलिए नहीं क्योंकि इस मार्केट कैप के हिसाब से आप डेट देखिए कितना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, लो और हाई की बात करेंगे तो 9 रुपये का लो, हाई लगा था 20 रुपये का, और बुक वैल्यू तो माइनस में ही है, करंट प्राइस अभी चल रहा है 14.60 रुपये के आसपास। प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे तो 2 प्रॉज है, बहुत सारे कॉन्स हैं, आप वीडियो को पॉज करिए और पढ़िए, बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं, सारी वैल्यू करोड़ में। सेल्स की अगर आप बात करेंगे तो जून में आप देख रहे हैं 2,229 करोड़ की सेल आई है, और पिछले साल जून में 2,454 करोड़ की, तो यहाँ से डाउन, और पिछले क्वार्टर से आप देखेंगे तो 2,921 करोड़ से भी यहाँ पर आपको डाउन देखने को मिली। तो जून में यहाँ पर थोड़ा सा कंपनी का सेल डाउन हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो यहाँ पर बढ़िया चल रहा था, 6, 12, 14, 13, लेकिन यहाँ पर 1% जून में,
और इसी की वजह से इनको अच्छा खासा लॉस भी देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट जो है, मार्जिन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 281 करोड़ का लॉस, ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 180 करोड़ का लॉस पिछले जून में, पिछले क्वार्टर में। तो क्या भयानक घटोतरी हुई है, मतलब घटा है, और पिछले क्वार्टर से भी देखें तो भी घटा है। तो यहाँ पर एक ये सेटबैक रहा है इसके लिए। ईयरली लेवल पे बात करेंगे, सारी वैल्यू करोड़ में है। सेल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 10,670 मार्च 2022 में, उससे पहले 8,000, 9,000, 10,000, 10,000, 9,000, 8,000, 10,000, तो 8 से 10,000 के बीच में इनका एवरेज मामला निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ में 10,517 है, तो यहाँ पर उम्मीद है कि इस साल ये कुछ अच्छा करके जा सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, 8, 7, 9, 5, 11, 11 पिछले साल 11% अच्छा आया है, और ठीक है, और यहाँ पर भी अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 11 चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, ईयरली लेवल पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 400 करोड़ का प्रॉफिट आया था तगड़ा, उससे पहले 610 करोड़ का लॉस है। यहाँ पर भी ट्रेलिंग 12 मंथ में 40 करोड़ का लॉस चल रहा है, 157 करोड़ का प्रॉफिट लॉस 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 लॉस, तो यहाँ से लगातार लॉस चल रहा था। वहाँ पर आपको पिछले साल और उसके पिछले के पिछले साल देखिए 2 प्रॉफिट देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर कंपनी कुछ ना कुछ तो लगी हुई है, देखिए कि ये चीज़ निकल के आ रही है कि लॉस से कंपनी उभर रही है और बड़े बड़े प्रॉफिट भी लेके आई, 400 करोड़ तो तगड़ा लेके आई है, ठीक है। और यहाँ पर अभी 40 करोड़ के लॉस पे चल रही, तो हो सकता है कि कवर कर ले अभी, ऑर्डर्स वगैरह इनको कुछ मिलेंगे, बढ़िया लगेंगे, और कंपनी अब थोड़ा इधर जो डेट रेजोल्यूशन प्लान से थोड़ा इसको डेट से थोड़ा शांति मिलेगी, तो अभी बाकी कुछ आगे अच्छा प्लान कर सकते हैं लोग। बात करें बैलेंस शीट की अगर, तो रिजर्व देखेंगे तो कंपनी के पास रिजर्व नहीं है, पहले हुआ करते थे 1133 करोड़ के, लेकिन घटते घटते यहाँ सब माइनस में आ गया। अच्छा, बोरोइंग्स देख रहे हैं आप, एक सबसे अच्छी चीज़ जो है अगर आप बोरोइंग देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक इनकी बोरोइंग बढ़ी थी 7, 8, 9, 11, 11, फिर यहाँ से आप देखिए 9, 9, 8, 4, 4, 7, 2018, तो बोरोइंग्स ये लगातार घटा रहे हैं। जब कंपनी अपना डेट घटाने पे काम कर रही है, तो इसका मतलब कंपनी के अंदर बहुत कुछ पॉजिटिव है, उसका मैनेजमेंट पॉजिटिव है चीज़ों को लेके कि हाँ भैया हम ये मैनेज कर लेंगे, डेट घटा रहे हैं हम, डेट कम कर रहे हैं चाहे जैसे भी, ठीक है, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ निकल कर आती है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो FII और DII आप देख रहे हैं अच्छे खासे हैं यहाँ पर, लेकिन FII मार्च से जून में अगर आप देखेंगे तो कम हुए हैं 12.15 से 11.83, और DII भी आपको कम हुए हैं 13.44 से 13.36, बहुत नॉमिनल सा पब्लिक यहाँ पर बचा हुआ पोर्शन आपको पब्लिक का दिख रहा है 42.24। कल देखिए क्या बेहतरीन मूव दिखाया इसने, 2.40 पैसे 20% का अपर सर्किट यहाँ पर पहले हिलता डुलता रहा, फिर यहाँ पर जाके लॉक हो गया कम्प्लीटली अपर सर्किट में, ठीक है। वन वीक की बात करेंगे तो वन वीक में देखिए 5.06% माइनस में, वन मंथ की बात करेंगे तो 2.79% माइनस में, वन ईयर में देखिए बढ़िया रिटर्न दिए इसने 25.13% के रिटर्न दिए, एक साल में 9 रुपये का लो लगाता है, 20 रुपये का हाई लगाता है, और 14.60 रुपये में भी यह है। और 5 साल की अगर आप बात करेंगे तो 5 साल में इसने आपके कैपिटल को लगभग आधा कर दिया, 57.77% 3.60 रुपये का लो और हाई लगाता है 40.33 रुपये का। आगे बढ़ते हैं, बात करें अगर इसके एंट्री पॉइंट की, तो गुड टाइम टू कंसीडर, स्टॉक और बॉन्ड दोनों में नहीं है, आप इसके हिसाब से एंट्री कर सकते हैं। और रेड फ्लैग आप देखिए ना, टू मच प्रमोटर होल्डिंग प्लेस्ड, आपने शुरुआत में देख ली, हमने बताया आपको कि भैया प्रमोटर होल्डिंग 91% के आसपास यहाँ पर आपको प्लेस देखने को मिली है, तो ये टेंशन वाली थोड़ी सी बात है। बात करें की मैट्रिक्स की, तो सेक्टर का पी आपको देखने को मिल रहा है 51.78 और कंपनी का पी आपको देखने को मिला 4.64, तो ये बहुत ही सस्ता है इसके हिसाब से, तो भी बहुत ही सस्ती वैल्यूएशन पे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके पीयर्स की बात करें तो लर्सन एंड टूब्रो आप देख रहे हैं, एक साल में इसने रिटर्न दिए 4.68% के, GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिए आपको 1.93% माइनस में, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 17.25% बढ़िया, यहाँ पर GR इंफ्रा प्रोजेक्ट में देखेंगे आप तो 36.63% माइनस में। इसके पीयर्स में जो मेरा पसंदीदा हिस्सा होगा वो है लोधा, मुझे लोधा बहुत पसंद आता है, बढ़िया वॉलेटाइल शेयर है और उसमें आपको अच्छे खासे मौके रहते हैं बनाने के, उस पर मैंने वीडियो बनाया है। बात करें अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो यहाँ से आपको डाउन ट्रेंड, यहाँ से आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, और बात करें अगर प्रॉफिट की, तो यहाँ पर क्या बेहतरीन 2022 में यहाँ पर लॉस प्रॉफिट लॉस, तो यहाँ पर मामला ऐसा ऐसा चल रहा है, ठीक है। सारी वैल्यू आप ध्यान रखिएगा 1000 करोड़ में है, करोड़ में नहीं है। वॉल्यूम देखिए क्या तगड़ा जंप मारा है भैया इसका, 2 करोड़ का वॉल्यूम था एक मंथ का एवरेज जो है, और 47% के आसपास डिलीवरी उठाई जाती है, वन वीक का एवरेज भी 3 करोड़ 42% के आसपास डिलीवरी उठाई जाती है। यस्टरडे की बात करेंगे तो भैया क्या बेहतरीन यहाँ पर देखने को मिला वॉल्यूम 10 करोड़ का, और टुडे की बात करेंगे तो 10 करोड़ का वॉल्यूम देखने को
मिला है और लगभग 40% के आसपास यहाँ पर डिलीवरी उठाई जा रही है। ठीक है, तो 4 करोड़ शेयर जो है लगभग 2 दिन में उठा लिए गए। बात करें पिवट लेवल की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे के सारे जो ये रेजिस्टेंस हैं ये सब धराशायी रह गए हैं और इनके अब डिस्कशन की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो ये रेजिस्टेंस है यही अब क्या बन गए, सपोर्ट बन गए। ठीक है, तो 12-13-13 जो है ये सपोर्ट का काम करेंगे। बात करते हैं इसके चार्ट की, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बढ़िया से ये वाली जो लाइन है ये अप ट्रेंड यहाँ पर आपको दिख रहा था बढ़िया, लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आया, लेकिन फिर ये जो कल इसने बंप मारा ये आपको फिर से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। सबसे अच्छी चीज़ है कि 50, 100 और 200 EMA के ये ऊपर निकला है, बढ़िया है और अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो आपको जल्दी ये मान के चलिए 15.5 रुपये अगर ये तोड़ता है ये वाला लेवल 15.5 रुपये वाला, ठीक है, यहाँ से देखिए आप 15.5 रुपये का लेवल टूटता है तो फिर आप मान के चलिए जल्दी आपको 17.5 के करीब आपको देखने को मिल सकता है, फिर उसके बाद ये वाला लेवल जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन नीचे जो है उसका बहुत तगड़ा सपोर्ट है, वो है 12 रुपये के आसपास। 12 रुपये तक अगर ये रहता है, 12 रुपये में देखिए कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार ये लेवल टूटता है तो आपको बढ़िया मूव दिखा सकता है और 20 रुपये तक भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन समय देना पड़ेगा आपको। ठीक है, RSI देखिए कि मजबूत 61.2 के आसपास बढ़िया है, ज़बरदस्त वीकली लेवल पर RSI आप देखेंगे 55.44, तो कई हफ्तों नहीं कई महीनों से ये कंसोलिडेशन वाले फेज़ में है। तो ये वाला लेवल अगर टूटता है 14.50 जो मैं बोला, 14.5 तो ये माफ़ कीजिएगा 15.5, ठीक है, तो ये आपको बढ़िया मूव दिखा सकता है। बात करें अगर इसके मंथली लेवल की, तो मंथली लेवल देखिए कि आप धीरे धीरे मंथली लेवल पे मामला चल रहा है। ठीक है, थोड़ा गिरता है, कंसोलिडेशन बढ़ता है, कंसोलिडेशन बढ़ता है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन 4 महीनों से ये लगभग यहीं पर ही मामला कंसोलिडेशन वाले फेज में तरफ चल रहा है। जो 15 रुपये का लेवल है वो जनरली थोड़ा टूट नहीं पा रहा है, 15.50 रुपये का। तो इसीलिए मैंने आपको ये बोला कि ये अगर आपको एंट्री बनानी तो या तो इसके ऊपर बनाइएगा या 12 रुपये के आसपास मिलता है तो बनाइएगा। ठीक है, बाकी अगर लॉन्ग टर्म का परस्पेक्टिव है आपका तो इसमें बना सकते हैं, लेकिन देखिए पेनी स्टॉक है, आपने देख लिया है फंडामेंटल्स किस तरह के हैं, प्लेज परसेंटेज हाई है और कई सारी चीज़ें हैं, भले डेट रेजोल्यूशन प्लान पूरा है इनका, सब कुछ चला है, वो तो जो लेंडर्स हैं इनके वो उनकी भलमन सही है कि उन्होंने सेट किया, नहीं तो बहुत सारे लोग तो नहीं मानते। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो पैसा आपको इसीलिए उस हिसाब से लगाना है जितना डूब जाए, हो जाए तो टेंशन ना हो, बहुत ज़्यादा नहीं इसमें पैसा बल्क में झोंक देना। अगर आपने झोंकना है तो इससे पहले वाला वीडियो मेरा देखिए जो मैंने डाला है IGL पे, तो आपको समझ में आएगा कि उसके जो फंडामेंटल्स हैं किस तरह के हैं और इसके आपने देखें किस तरह के हैं। ठीक है, चलिए गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए। और हाँ, ये मेरे पर्सनल व्यूज होते हैं, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिल्कुल सलाह लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।